स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलीनोमियल्स, और उसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.1। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पॉलीनोमियल्स है क्या? ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, दैट इज़ पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मीनिंग है मैनी, मोर देन वन, और नोमियल्स का मीनिंग क्या है? टर्म्स। यू कैन से टर्म्स और यू कैन से पार्ट्स। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे आपको पार्ट्स नज़र आए, उसमें उस एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स प्लस बी, तो ये है हमारे पास दो टर्म्स, ये जो है ये दो टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है। मीन्स दो या उससे ज़्यादा टर्म्स जो होगी प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेटेड होंगी, तो वो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा पॉलीनोमियल। फाइन, ये क्या बना? जैसे फॉर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² - 3x + 6, तो ये फिर से क्या बना? पॉलीनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ ये सेपरेटेड हैं। ठीक है, ये बना हमारा पॉलीनोमियल। अगर हम बात करें कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ, दो टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ, तो वो पॉलीनोमियल होगा? वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, वो मोनोमियल होगा। कैसे? 2 × 3 = 6 और साथ में x, तो ये मोनोमियल बना, ये पॉलीनोमियल नहीं बना। फाइन, ऐसे ही अगर हम डिवाइड करें दो नंबर्स को, जैसे 2x / फॉर एग्जांपल 6x, तो ये क्या बना? आफ्टर कटिंग x के साथ x कैंसिल, ये 1/3 बना, तो ये अब क्या है? ये कांस्टेंट बन गया अब। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट वेरिएबल क्या चीज़ है। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, x² / 2x, अब ये क्या बना? एक x के साथ एक x कटा, ये बना x/2। अब फिर से ये मोनोमियल है। ठीक है, इसमें दो टर्म्स हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम उसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा मोनोमियल ही होगा। मींस कि अगर हमारी जो टर्म्स हैं वो प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेटेड हैं तो वो पॉलीनोमियल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन जो है वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, जो एक्सप्रेशन हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ लिखा होगा। फाइन, तो अब इसके जो टर्म्स हैं उसको हम थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, 2x² था हमारा, ठीक है, इसमें ये है हमारा कोफिशेंट, ये जो कांस्टेंट पार्ट, ये जो आपको रियल नंबर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये होगा कोफिशेंट, देन दिस x इज़ वेरिएबल, और ये उसकी कुछ पावर जो है, जिसको हम एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट और पावर। अब ये जो वेरिएबल है इसका क्या मतलब है? वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती होगी, इसके नाम से क्लियर है, वेरिएबल मींस जो वेरी करता होगा। मींस वेरी करने का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू मैं 0 लूँ तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ आएगी, अगर 1 लूँ तो कुछ और आएगी, 2 लें तो कुछ और आएगी, -1 लें तो कुछ और आएगी। मींस ये वेरी करता है, एक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, वो हमें पता नहीं है, वो वेरिएबल होता है। देन कम्स, ये होगी हमारी तीन टर्म्स, उसमें ये हो गए हमारे रियल नंबर्स, और ये हैं हमारे साथ में कोफिशेंट्स हैं, x² का कोफिशेंट 2, x का कोफिशेंट -3, और ये कांस्टेंट होता है। ये जो हमारा 6 है, दिस इज़ अ कांस्टेंट, मींस इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जिसके साथ x वेरिएबल नहीं लगा वो कांस्टेंट होगा। फाइन, अब इसकी डिग्री की बात करें, पॉलीनोमियल की डिग्री की, डिग्री होगी जो आपका वेरिएबल होगा, जैसे इस केस में x है, तो x की सबसे बड़ी पावर जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। इस केस में कितनी है? ऊपर वाले केस में 2, 2x² - 3x + 6 की अगर बात करें तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगर मैं कुछ और लिखूँ, जैसे y³ - 3y + 6, तो ये भी हमारा एक पॉलीनोमियल है। अब इसमें वेरिएबल जो है वो y है, ठीक है, कॉन्स्टेंट 6 है, वेरिएबल y है, 1 और -3 इनके कोफिशेंट्स हैं, y³ का कोफिशेंट 1, y का कोफिशेंट -3। ठीक है, तो इसकी अब डिग्री कितनी बन रही है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई? 3। तो इस केस में डिग्री क्या हुई? 3। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है वो क्वेश्चन हमारा। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर दिस, फॉर सम पॉलीनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हमें कुछ ग्राफ्स गिवन हैं
और वो जो हैं कुछ पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में है, पी एक्स की फॉर्म में, फाइन। हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करनी है, बहुत ईजी है। अगर तो आपका पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में है तो आपको देखना है कि आपका जो ग्राफ है, जो उसमें कर्व है, जैसे ये सारे हमारे कर्व्स हैं, वो एक्स एक्सिस को, पी एक्स एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट केस में देखिए, इसमें ये जो लाइन है ये सिर्फ वाई एक्सिस में से पास हो रही है, एक्स एक्सिस को ये कहीं भी मीट नहीं कर रही, ठीक है। हमारा पी एक्स था तो एक्स एक्सिस को आपको देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को मीट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आएगी? ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं आएगी इसकी, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन फर्स्ट केस विल बी ज़ीरो, और यू कैन से नो ज़ीरोज़, इसमें ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है। देन अब ये जो सेकेंड पार्ट है, अब फिर से हमारा पी एक्स ही है ये सारे, तो पी एक्स आपको एक्स एक्सिस पर देखना है कि कितनी बार हमारा ये जो कर्व है वो टच किया या फिर उसको इंटरसेक्ट किया, मीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो हमारा कर्व है, देखिए यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितनी बनी? ओनली वन, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज इज़ ओनली वन, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो कर्व है वन टू और थ्री, थ्री बार इसको एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इतनी इसकी कितनी होगी फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज? थ्री, ठीक है। देन अगला वाला, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो मींस यहाँ पे टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी, ठीक है। इसकी ज़ीरोज़ कितनी हुई? टू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। देन अगला, ये जो कर्व है वन टू थ्री फोर, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, फोर टाइम्स इसको मीट किया तो एक्स एक्सिस को ये टच किया, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आई थी? फोर, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स नंबर। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये टच हो रहा है सिर्फ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये ग्राफ, ये कर्व वन, यहाँ पे टच हुआ ये टू, यहाँ पे भी टच हुआ ये थ्री, तो इसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रही है हमारी थ्री, ठीक है। ये हमारी आ गई सारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज। फर्स्ट केस में कोई भी ज़ीरो नहीं थी क्योंकि एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा था, दूसरे ग्राफ में एक बार मीट किया, तीसरे में तीन बार, देन इस वाले में दो बार, इसमें वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स, देन इसमें वन टू थ्री, थ्री टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। आपको फिर से बता दूँ, अगर एक्स की फॉर्म में है हमारा पॉलिनोमियल तो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि हमारा कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट किया या टच किया कर्व हमारा ग्राफ को, और अगर यहाँ पे y होता पी वाई तो हम देखते कि वो y एक्सिस को कितनी बार टच किया। जैसे इस केस में हमारी वन नंबर ऑफ़ ज़ीरो आती है अगर यहाँ पे पी वाई होता, तो जो वेरिएबल है उसी एक्सिस को आप देखेंगे कि वो हमारा जो कर्व है उस एक्सिस को कितनी बार टच किया या मीट किया या इंटरसेक्ट किया, फाइन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।